मैं आरती आदि मनुख चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। इस मकर संक्रांति मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल और गुड़ की इतनी टेस्ट से एकदम कुरकुरी सी पट्टी की रेसिपी, जिसे हम नॉर्मल घर के प्लेट में बना के तैयार करेंगे और इतनी टेस्टी एकदम कुरकुरी बनेगी कि आप बार बार ऐसे ही बना के तैयार करेंगे। ये देखिए लग रही है ना एकदम मार्केट जैसी, बैक साइड से भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ, ये देखिए कितनी परफेक्ट एकदम कुरकुरी सी पट्टी बन के तैयार हुई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तिल गुड़ पट्टी। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए 300 ग्राम मैंने व्हाइट वाली तिल ली है। आप व्हाइट वाली तिल की जगह पे ब्लैक वाली तिल का यूज़ भी कर सकते हैं। अब कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ व्हाइट वाली तिल। तिल को हम तब तक सेकेंगे जब तक के तिल में से अच्छे से खुशबू नहीं आने लग जाती और तिल हमारी अच्छे से चटक नहीं जाती। 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है तिल को सेकने में। और जब भी आप तिल को सेकें तो आप थोड़े मोटे तले की ही कढ़ाई का यूज़ करें। तिल हमारी अच्छे से सेक चुकी है, तब तिल को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब ये हमने ली है प्लेट, तो प्लेट को हम घी से ग्रीस कर देंगे। इससे जो हम तिल गुड़ की पट्टी को जमाएंगे तो वो आसानी से निकल जाएगी। मैंने वापस से कढ़ाई रखी है और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। अब 300 ग्राम मैंने गुड़ लिया है तो गुड़ को भी ऐड कर देंगे। अब लो फ्लेम पे लगातार हम इसे चलाएंगे जब तक के गुड़ हमारा मेल्ट नहीं हो जाता। अब गुड़ को हमें लगातार चलाना है जब तक के गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता। और ये देखिए गुड़ भी हमारा मेल्ट होने लगा है, तो इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस को लो टू मीडियम पर ही रखेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है तो इसे अब हम तब तक पकाएंगे जब तक के गुड़ का कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक आपको चाशनी को पकाना है। जैसे जैसे चाशनी आपकी पकेगी तो अपने आप ही गुड़ का कलर चेंज होता जाएगा। आप चाहें तो इसे बीच बीच में चेक भी कर सकते हैं। तो हम लड्डू बनाने के लिए चाशनी तैयार करते हैं उसे हम 3 से 4 मिनट के लिए ही पकाते हैं। और जो हम चिक्की जमाने के लिए चाशनी तैयार करेंगे उसे आपको थोड़ा सा टाइट बनाना है, तभी आपकी चिक्की एकदम कुरकुरी बन के तैयार होगी। ये देखिए चाशनी का कलर भी चेंज हो गया है। तब थोड़ा सा ड्रॉप डाल के हम चाशनी को चेक कर लेंगे। एक कटोरी में हमने पानी लिया है। ये देखिए जब इसे हम तोड़ें तो ये इस तरीके से टूटना चाहिए, तब तक ही आपको इसे ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये टूट रही है। जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। तो बस चाशनी को आपको इतना ही पकाना है। तो जब भी आप तिल गुड़ की पट्टी बनाएं तो इस तरीके से गुड़ को थोड़ा सा कटोरी में डाल के चेक कर लें कि गुड़ आपका टूट रहा है या नहीं टूट रहा। गैस को कर देंगे बंद और इसमें हम तिल ऐड कर देंगे और तुरंत ही आपको इसे मिक्स करना है, वरना ये चाशनी आपकी जैसे ही ठंडी होगी तो ये तुरंत ही जमने लग जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया है तिल और गुड़ को, तो अब ये जो हमने प्लेट को ग्रीस करके रखा था उसमें इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये जो हमने चिक्की का बैटर मिक्स करके रखा है उसे हम तुरंत ही प्लेट में पलटा देंगे। फटाफट से आपको ये प्रोसेस करनी है, वरना ये ठंडा हो जाएगा तो आपको जमाने में प्रॉब्लम होगी। अब इसे हम इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से दबा देंगे और चिक्की को आपको पूरा फैला देना है। जितनी मोटी आप चिक्की बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे फैला दें। आप चाहें तो इसे हाथ से भी फैला सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है, एकदम अच्छे से फैलाना है आपको इसे। आप इस तरीके की कोई कटोरी ले लें और उसके पीछे साइड से भी आप इस तरीके से चिक्की को बराबर फैला सकते हैं। इससे भी आपकी चिक्की एकदम परफेक्ट एक जैसी हो जाएगी सब तरफ से। और ये देखिए चिक्की के बैटर को हमने प्लेट के ऊपर अच्छे से सब तरफ से फैला दिया है। तब इसमें हम कट लगा देंगे और जब ये बैटर आपका हल्का सा गर्म रहे तभी आपको इसमें कट लगा देना है। अगर ये चिक्की आपकी ठंडी हो जाएंगी तो आपको इसको कट करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप इस तरीके से पहले ही उसमें कट लगा दें। चिक्की भी हमने कट लगा लिया है तो इसे हम एकदम ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही सर्व करेंगे। चिक्की भी हमारी एकदम अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तब इनके हम पीसेस अलग कर लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से चिक्की हमारी सेट हो चुकी है। बैक साइड से भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखिए लग रही है ना कितनी बढ़िया है देखने में। तो ऐसे सभी चिक्कियों को हम निकाल करके प्लेट के ऊपर रख लेंगे। बहुत ही टेस्टी कुरकुरी से तिल गुड़ पट्टी हमारी तैयार है। तो इस मकर संक्रांति आप मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।